ऑन कर दो। डन। ओके ओके गेटिंग लाइव, मुझे भी आ जाने दो। ओके ओके इतना लेट कभी नहीं हुआ। धीरेन जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ कोई टेक्निकल इशू नहीं था, बस आ ही रहे थे। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून मोहम्मद जी, गुड आफ्टरनून अर्पिता। ओके ओके गुड आफ्टरनून नेहा तिवारी, गुड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ गुड आफ्टरनून, हेलो अरविंद जी, हेलो। गुड आफ्टरनून अमन चौधरी, गुड आफ्टरनून दीपांजलि शर्मा। हाँ गुड आफ्टरनून, हाय अर्पिता, हाय बी। हाँ गुड आफ्टरनून बी के शर्मा, गुड आफ्टरनून कौर देवी, गुड आफ्टरनून शुभम गुप्ता, गुड आफ्टरनून अनुप्रिया आशना जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल सालिम, गुड आफ्टरनून। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीएस लाथर, गुड आफ्टरनून। हम बिल्कुल ठीक हैं वीएस जी, आप बताइए आप कैसे हैं। क्या मैम हम लोगों को लगा नहीं भाई, गुड थैंक यू रवि जी, थैंक यू। नहीं हम कहीं नहीं खोए थे, हम बस यहीं थे, आ रहे थे। थोड़ा सा लेट हो जाता है, कानपुर में ट्रैफिक वैफिक रहता है ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है समटाइम्स। हाँ चलिए ओके ओके गुड आफ्टरनून दिव्या, आज हम भी लेट हो गए, आज आप लेट हो गई तो हम भी लेट हो गए। देखिए हमें आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है दिव्या सिंह जी। हाँ प्रशांत ओके, हाँ प्रशांत आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो जाए, बस मुझे फर्टिलाइजेशन खत्म कर लीजिए। फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पढ़ाऊंगी। बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। ओके ओके हाँ समीक्षा, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं। रेनू गुड आफ्टरनून, रेनू गुड आफ्टरनून, रेनू गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन के बारे में बात करेंगे। अच्छा सी अर्चिन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर गुड आफ्टरनून अमूल्य जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ओके। हाँ गुड आफ्टरनून दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फर्टिलाइजेशन को समझने से, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सभी को पता है, आप लोग तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सब कुछ पता होता है। चलिए चलिए अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट वमेंट तो कुछ करते नहीं हैं कि अच्छा लगा लेक्चर या बुरा लगा, तो ऐसे ही बता दीजिए कि आपको कुछ सेशन से कोई फायदे हो, कुछ फायदा हो रहा है। गुड आफ्टरनून रुमाना सिद्दीकी, गुड आफ्टरनून अर्चना गुप्ता। कुछ फायदा वायदा हो रहा है, क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं CSIR के कि नहीं हो रहे हैं, CSIR के क्वेश्चन वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ या फिर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, बताइए बताइए कुछ फायदा वायदा हो रहा है। अच्छा बहुत ज़्यादा रेनू, रेनू जी को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ओके 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 फिर ठीक है, अगर फायदा हो रहा है तो फिर ठीक है। चलिए तो आप लोग कमेंट वमेंट तो करते हैं नहीं, हमने कहा भी है कि आप लोग अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, बुरे कमेंट भी कर सकते हैं अगर अच्छा लेक्चर अच्छा ना लगे, लेकिन आप लोग कुछ बताते भी नहीं है। चलिए लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं लाइव सेशन में, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अरे जिगीशा 100% जिगीशा पांचाल गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप, ओके चलिए चलिए। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सालिम जी। चलो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी को पता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान दो सेल्स का फ्यूजन होता है, स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है, स्पर्म सेल एंड एग सेल का फ्यूजन होता है।
फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म और एग सेल का फ्यूजन होता है, और स्पर्म सेल के पास क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एग सेल ऑल्सो हैविंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड जब दोनों का फ्यूजन होता है तो जो डाइगोट बनता है उसके पास क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसी जाइगोट में फिर क्या होता है, जब जाइगोट बन गया, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब इसी जाइगोट में क्या होगा, इसी जाइगोट में क्लेवेज होगा, पहले थोड़ा सा ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, क्लेवेज होगा, यानी कि सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा, जिसको पढ़ाने के लिए प्रशांत जी कई बार मुझसे कह चुके हैं, ठीक है, मूवमेंट होगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, ओके ओके, थैंक यू मायना सिद्दीकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके चलिए, हाँ थैंक यू अर्पिता दुबे, थैंक यू। फिर उसके बाद क्लेवेज के बाद क्या होगा, क्लेवेज के बाद सेल मूवमेंट्स होगा, सेल मूवमेंट्स के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद पैटर्न फॉर्मेशन होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगी, और एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन, जब एग सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो तो उस केस में उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म सेल और एग सेल दोनों बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम किसका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, सी अर्जिन का फर्टिलाइजेशन, किसका पढ़ेंगे, सी अर्जिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम मैमल्स का फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे कि कशूर बायोलॉजिस्ट ने बताया कि मैमेलियन फर्टिलाइजेशन के लास्ट टाइम इज्यूमो और ज्यूनो से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या पढ़ेंगे, मैमल का फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या पढ़ेंगे, सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम मैमल से क्वेश्चन आ चुका है, तो सी अर्चिन पे भी आप लोग फोकस करके चलिएगा, सी अर्चिन पे भी आप लोग फोकस करके चलिएगा। ओके ओके पूनम रॉय जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अरे हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। चलिए हाँ ओके, सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ न्यूमेरिकल, चलिए एस के वासिम जी आपकी समस्या का समाधान निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए तो बात करते हैं किसकी, सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन की। अब टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग गैमीट्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एग सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन एग एंड स्पर्म की, कि एग और स्पर्म आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उनका फ्यूजन होता है, उस दौरान कौन कौन से मॉलिकुलर प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ साथ कौन कौन से मॉलिकुलर प्रोसेस भी रन होते हैं, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंटरेक्शन में क्या होता है, कीमो अट्रैक्शन भी आते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन भी आती है, तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कुछ पार्ट सी अर्चिन का खत्म करेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो कल के सेशन खत्म करेंगे, तो आज हम लोग इतना पार्ट कवर अप करेंगे, डन। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन से आए हुए हैं। सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन में इन्होंने बाइंडिन के बारे में पूछा है, बाइंडिन के बारे में पूछा है, बाइंडिन, तो अभी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बाइंड इन एक्रोसोम, बाइंड इन रिसेप्टर्स, बाइंड इन एग मेम्ब्रेन, रिसेक क्या होता है, एग जेली क्या रोल प्ले करती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सी अर्चिन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सी अर्चिन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड गॉल्गी डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं स्पर्म में और मेम्ब्रेन में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, कल जो हमने वल्वा फॉर्मेशन पढ़ाया था उसमें 2018 में एंकर सेल्स फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। हाँ, इम्पॉर्टेंट रोल, बस आ रहे, वहीं पर आ रहे,
वहीं पर आ रहे हैं सोफी सैम, वहीं पर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून बायोनॉलेज, गुड आफ्टरनून कैलाश, गुड आफ्टरनून। तो बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग और स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है। अब हम जो मेजर इवेंट्स पढ़ेंगे सी अर्चन में, सी अर्चन में जो हम मेजर इवेंट्स पढ़ेंगे, सबसे पहला इवेंट्स क्या है, कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन बिटवीन स्पर्म एंड एग। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सी अर्चिन क्या होता है, इकाइनोडर्मेटाफाइलम से बिलोंग करता है, एक्वेटिक एनिमल होता है, ओशंस के डेप्थ जोन में रहता है। तो ये क्या करता है, इनके बीच में क्या होता है, अब इतने बड़े एक्वेटिक एनवायरनमेंट में दो इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में फ्यूज होना भी बहुत, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट और रिकॉग्निशन जो होता है सी अर्चिन के केस में वो बहुत ही ज्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब, स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब एक स्पीसीज का स्पर्म उसी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, एक स्पीसीज का स्पर्म उसी एग स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, उसके अलावा किसी भी दूसरी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड इवनिंग सुनील सैनी, गुड इवनिंग मोहित। हाँ, तो उसी, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। स्पीसीज मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स एक्सिक्रीट करेगा जिसके लिए रिसेप्ट स्पर्म के पास होंगे, उसी स्पीसीज के स्पर्म के पास होंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल स्पर्म के पास होंगे जिसके लिए रिसेप्टर्स किसके पास होंगे, उसी स्पीसीज के एग के पास होंगे। तो इनके बीच में एक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी का प्रोसेस चलेगा और इनके, ताकि ये एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आ पाए और एक दूसरे को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाए। क्योंकि इतने बड़े एक्वेटिक एनवायरमेंट में ऐसा तो होगा ही कि सिर्फ इन्हीं के स्पर्म और एग, सिर्फ सी अर्चिन के ही स्पर्म और एग या किसी सी अर्चिन के किसी एक ही स्पीसीज के स्पर्म और एग प्रेजेंट होंगे, वहां पर बहुत सारे एनिमल्स प्रेजेंट है और उन सभी जिनका भी, जिनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उन सबके गैमिट्स वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए ये लोग जो फिनोमेना फॉलो करते हैं दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग, रेगुलेशन ऑफ। तो स्पर्म की जो एंट्री होती है एग में उसका भी रेगुलेशन होना जरूरी होता है। उस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक बार में एक एग को कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए, इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको, ये भी बात करेंगे हम लोग। देन उसके बाद फ्यूजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग, उसके बाद क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस, एग के न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होने के बाद लास्ट में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। अब डेवलपमेंट, अब जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करेगा। तो ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान होते हैं। हम इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इवेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम गैमिट्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गैमिट्स के, हाँ, वन स्पीसीज स्पर्म बाइंड, यस, स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब यही होता है। अश्विनी जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो उस केस में क्या होता है, इंटायर साइटोप्लाज्म होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान जितना भी साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है वो पूरा का पूरा एग से डिराइव होता है। स्पर्म का क्या जाता है, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जाता है और सेंट्रियोल जाता है एग के पास। जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान पूरा का पूरा इंटायर साइटोप्लाज्मिक पार्ट जितना भी होता है जाइगोट का वो एग से डिराइव होता है। तो जब भी स्पर्म का मैच्यूरेशन होता है, स्पर्म के मैच्यूरेशन के दौरान मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। हमने आज तक सभी ने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में अपने सभी ने पढ़ा होगा कि स्पर्म जो होता है वो तीन पार्ट में स्पर्म का स्ट्रक्चर डिवाइड होता है, हेड, नेक एंड टेल, हेड, नेक एंड टेल।
तो अब हम हेड नेक एंड टेल ना पढ़ के, अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं तो हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हेड नेक और टेल ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे कि स्पर्म के पास तीन चीजें होती हैं, a sack of enzymes which is called as acrosome. सेकेंड जो काम आती है फर्टिलाइजेशन में, पहला काम जिसका फर्टिलाइजेशन में होता है सैक ऑफ एंजाइम्स यानी कि एक्रोसोम का. सेकेंड जो काम आता है फर्टिलाइजेशन में दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ प्रोपल्सन सिस्टम. तो ये तीनों क्या करते हैं एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. ये तीनों चीजें जो स्पर्म के पास प्रेजेंट होती हैं. सैक ऑफ एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के हेड पर ही प्रेजेंट होते हैं. और ये क्या करते हैं, जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो वहां की एग जेली को, एग के ऊपर जो जेली हो रही है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, एक्रोसोम वेसिकल करते हैं. एक्रोसोम वेसिकल के पास क्या होती है, प्रोटियोलिटिक कंटेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एग जेली को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. सेकंड हमने बात करी कि इसके पास क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. तो ये किसमें इन्वॉल्व होता है, ये जेनेटिक मटेरियल के फ्यूजन के दौरान इन्वॉल्व होता है. थर्ड हमने बात करी प्रोपल्सन सिस्टम की. प्रोपल्सन सिस्टम क्या काम, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि स्पर्म मूव करके कहां तक पहुंच पाए, एग तक पहुंच पाए. कहां तक पहुंच पाए, एग तक. ओके हाँ डन. ओके हाँ हम वहीं पर आ रहे हैं, बिल्कुल वहीं पर आ रहे हैं धीरू जी. हाँ धीरू भाई बिल्कुल वहीं डाइनन पर ही आ रहे हैं. आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं. चलिए तो हम बात करते हैं, अब हम इसके प्रोपल्सन सिस्टम की बात कर लेते हैं. पहले हम सबसे पहले इसके प्रोपल्सन सिस्टम की बात कर लेते हैं. तो कोई भी इंडिविजुअल स्पर्म इज प्रोपेल बाय इट्स फ्लैजेलम. किसके, अपने जो ट्रेवलिंग होती है वो किसके थ्रू करता है, अपने फ्लैजेलम की विपिंग के थ्रू अपनी ट्रेवलिंग करता है या अपना मूवमेंट करता है कोई भी स्पर्म. स्पर्म की टेल में क्या प्रेजेंट होते हैं. हाँ तो अगर हम स्पर्म टेल की एनाटॉमी की बात करें, तो जो इसकी टेल होती है वो किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की. बेसिकली जो मोटर प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं एक्सोनीम. क्या बोलते हैं, एक्सोनीम. माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, इस सेंट्रियोल से रिलीज होते हैं. कहाँ से रिलीज होते हैं, इस सेंट्रियोल से. तो बेसिकली जो मोटर प्रोटीन होती है दैट इज एक्सोनीम. इस एक्सोनीम में हमें पढ़ा होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में, अगर नहीं भी पाए तो हम बता देते हैं कि जो स्पर्म की टेल होती है उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज 9+2. माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज 9+2. अब ये 9+2 कैसे होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली दो प्रोटीन्स के बने होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, फॉर्मेशन नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स में. पहली प्रोटीन जो उसके स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है और दूसरी प्रोटीन जो उसके फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है. तो जो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है, जो भी प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है दैट इज ट्यूबुलिन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ट्यूबुलिन. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेसिकली हेट्रोडाइमेरिक ट्यूबुलिन्स के बने होते हैं. हेट्रोट्यूबुलिन्स जो होते हैं वो प्रोटोफिलामेंट के फॉर्म में अरेंज होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल रिंग का. फिर उसके बाद दूसरी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है दैट इज मैप्स. माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं और इसमें आ जाती है कौन, डायनिन एंड काइनेसिन. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल. अब स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटोफिलामेंट की गे माइक्रो सिंगलेट सॉरी सिंगलेट डबलेट एंड ट्रिपलेट
सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट। तो सिंगलेट का मतलब क्या, सिंगलेट का मतलब क्या, जब 10 प्रोटोफिलामेंट की एक सिंगल रिंग होगी, जब 10 प्रोटोफिलामेंट की एक सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी तो ये क्या होगा, ये सिंगलेट होगा। ये क्या होगा, सिंगलेट होगा। जब 10 प्रोटोफिलामेंट की एक सिंगल रिंग प्रेजेंट हो और उसके साथ 13 प्रोटोफिलामेंट की एक रिंग प्रेजेंट हो, दैट इज डबलेट। और जब 10 प्रोटोफिलामेंट की एक सिंगल रिंग हो और उसके पास 13 प्रोटोफिलामेंट की दो रिंग और उसके साथ अटैच हो, दैट इज 10 13 13 10 13 13, दैट इज ट्रिपलेट। तो यहां पर हमें इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर में मिडिल में हमको क्या मिल रहा है, सिंगलेट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, सिंगलेट। क्या मिल रहे हैं, यस, नाइन डबलेट्स एंड टू सिंगलेट्स। डन, नाइन डबलेट्स एंड टू सिंगलेट्स, सॉरी। तो यहां मिडिल में हमको क्या मिल रहा है, सिंगलेट, और यहां पर हमें नाइन डबलेट्स मिल रहे हैं। इसीलिए स्पर्म की टेल का जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है, दैट इज 9+2। कैसा होता है, 9+2। अब इन डबलेट्स के साथ क्या अटैच होते हैं, इन डबलेट्स के साथ डाइनिन आर्म्स अटैच होती है। क्या अटैच होती है, डाइनिन आर्म्स। और डाइनिन्स जो होते हैं, डाइनिन्स ये क्या करते हैं, एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। तो जब अब हमें पता है नेक में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने का, एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और उन एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है, ये डाइनिन एटीपीएजेस। तो जैसे ही एटीपी प्रोड्यूस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, ये डाइनिन एटीपीएस क्या करेंगे, उन एटीपीज को हाइड्रोलाइज करेंगे, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और क्या होगा, जो फ्लैजेलम होगा वो क्या होने लगेगा, बेंड होने लगेगा, और स्पर्म क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। तो ये पूरा स्पर्म का क्या है, प्रोपल्सन सिस्टम। क्या है ये, स्पर्म का प्रोपल्सन सिस्टम। डन डन, क्लियर है ये पार्ट सभी को, क्लियर है, ओके ओके, क्लियर है सभी को, बताइए ये पार्ट स्पर्म का प्रोपल्सन सिस्टम सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को, हाँ, डन। चल आगे बढ़ते हैं, एग की बात करते हैं, सी अर्चिन के एग की बात करते हैं। तो सी अर्चिन के एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी अर्चिन के एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रही एग सेल मेम्ब्रेन, ये रही एग सेल मेम्ब्रेन। इस एग सेल मेम्ब्रेन से चिपके हुए क्या रहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बिल्कुल होमोलॉगस होते हैं किसके, एक्रोसोम के, एक्रोसोम वेसिकल के। वो भी गॉल्गी डिराइव होते हैं, ये भी गॉल्गी डिराइव होते हैं। उनके पास भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, एक्रोसोम वेसिकल के पास भी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के पास भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी जो होते हैं, उनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, और एक्रोसोम वेसिकल के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। इस एग सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विटिलाइन एनवेलप। क्या बोलते हैं इसे, विटिलाइन एनवेलप। ये विटिलाइन एनवेलप इन्वॉल्व होता है स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में, ये विटिलाइन एनवेलप स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। और अब इस विटिलाइन एनवेलप के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ये जेली लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जेली लेयर भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन के दौरान। तो एग का स्ट्रक्चर अगर हम, हाँ अपलोड बिकॉज ड्यू टू, हाँ बिल्कुल 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 शोएब जी, ये वीडियो बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया जाएगा, ये वीडियो अपलोडेड रहेगा साइट पे, बिल्कुल हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ओके। तो हम ये क्या, अगर हम सी अर्चिन के एग के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सी अर्चिन के एग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा होगा, ये रही एग सेल मेम्ब्रेन, यहां पर क्या प्रेजेंट हो गए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स।
प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के दौरान ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं स्लो ब्लॉक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है दैट इज विटिलाइन एनवेलप, विटिलाइन एनवेलप, और विटिलाइन एनवेलप के ऊपर जो जेली प्रेजेंट होती है एग जेली, एग जेली। तो एग जेली जो होती है, एग जेली स्पर्म स्पीसीज रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होती है और एग जेली करने का या अट्रैक्ट करने का काम करती है, स्पर्म को एक्टिवेट या अट्रैक्ट करने का काम करती है एग की तरफ। एग जेली में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो एग जेली से सिक्रेट होते हैं और उनके लिए रिसेप्टर स्पर्म के पास प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उसका जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स स्पर्म में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करें, एग स्पर्म क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, एग की तरफ मूव करने लगता है। तो एग जेली में मॉलिक्यूल, एग जेली इन्वॉल्व होती है स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में, उसके बाद विटिलाइन एनवेलप भी इन्वॉल्व होता है इसमें स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में, स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में। देन हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बायोनॉलेज सैप, हम बस वहीं पर आ रहे हैं, हम सैप की ही बात करने जा रहे हैं, हम सैप की ही बात करने जा रहे हैं। डन डन। तो विटिलाइन एनवेलप एग जेली के पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मेशवर होता है और ये क्या करती है, अट्रैक्ट स्पर्म को अट्रैक्ट और एक्टिवेट करने का काम करती है। विटिलाइन एनवेलप कैसा होता है, ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मैट एंड कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। एक्सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो एक्सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जब स्पर्म सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यस रिजेक्ट रिजेक्ट, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं और वो इसी सीरीज में चलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग जो इंटरैक्ट होते हैं, एग इंटरैक्ट होते हैं उसके दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये फाइव बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कुछ एनिमल्स को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या होता है, सी अर्चिन हो या फिर कोई भी एनिमल हो, सबसे पहले क्या होगा, कीमो अट्रैक्शन होगा, सबसे पहले कीमो अट्रैक्शन का प्रोसेस होगा ऑफ स्पर्म टू द एग, कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू द एग, मतलब हाँ, तो कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म का एग का मतलब एग जेली कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करे और उनको अट्रैक्ट करते हुए उनसे उसके थ्रू क्या हुआ, स्पर्म मूव करके कहां तक पहुंचा, एग जेली तक पहुंचा। सेकेंड जो स्टेप होगा दैट इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल, इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, इसी को क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो उस एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, स्पर्म अपना सारा एक्रोसोमल कंटेंट रिलीज करेगा और जिसकी और वो प्रोटोलिटिक कंटेंट होता है, तो एग जेली क्या हो जाएगी, एग जेली रिमूव हो जाएगी, एग जेली रिमूव हो जाएगी। थर्ड जो होता है दैट इज बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म, अब स्पर्म क्या करेगा, अब स्पर्म क्या करेगा, एग की मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा, वेट वेट हाँ, अरे स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, हम जरा पानी पी लें, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। हाँ अभी हम सारी चीजें डिटेल कर रहे हैं, जीशा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है रेनू, क्वेश्चन आया इसी सीक्वेंस में क्या, हाँ बिल्कुल बायोनॉलेज हमें, हाँ बिल्कुल हम बता रहे हैं वो सारी चीजें हम बता रहे हैं। डन, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, पासेस ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम इन सारे प्रोसेस को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, इन सारे प्रोसेस को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इसी सीक्वेंस में होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, कीमो अट्रैक्शन, देन उसके बाद क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, देन उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एग, देन पासिंग ऑफ स्पर्म टू थ्रू द एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स एंड लास्ट में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एग एंड स्पर्म। अच्छा ये जो रेड कलर का निशान बना हुआ है ना, ये यहां पर जो रेड कलर का निशान बना हुआ है, ये मैमल्स के केस में क्या होता है,
बाइंडिंग पहले होती है, मतलब ये दोनों प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं, बाइंडिंग पहले होती है स्पर्म की वाइल एक्सोसाइटोसिस बाद में होती है। मैमल्स का जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि स्पर्म की बाइंडिंग पहले होती है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप से, वाइल जो एग्जोसाइटोसिस होती है वो उसके बाद होती है बाइंडिंग के बाद। तो हम वो ये चीज वहीं पर डिस्कस करेंगे, बाकी सारे में बाकी सब जगह ये क्या होता है, यही प्रोसेस होता रहता है। अच्छा वेट, तो अब हम एक एक करके इन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कीमो अट्रैक्शन की, कि कीमो अट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। कीमो अट्रैक्शन के दौरान हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज सी अर्चिन की स्पीसीज की बात करी, दैट इज अर्बिशिया पंक्टुलेटा, अर्बिशिया पंक्टुलेटा के स्पीसीज की बात करी, क्योंकि क्या होता है हमने बताया ये स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक सी अर्चिन में भी बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो एक स्पीसीज का एग उसी एक स्पीसीज का स्पर्म उसी एक स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा है। तो यहाँ पर हमने बात करी है अर्बेशिया पंक्टुलेटा की, अर्बेशिया पंक्टुलेटा जो स्पीसीज होती है इसकी एग जेली में, इसकी एग जेली से जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रीसेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीसेक, जैसा कि अभी बताया बायोनॉलेज ने, इन्हें सैप भी बोलते हैं, स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड और स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड। इन रीसेक मॉलिक्यूल्स के लिए जब ये मॉलिक्यूल सीक्रेट होते हैं तो इन रीसेक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पर्म के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो इस रिसेक्ट के लिए जब रिसेक्ट आता है तो वो स्पर्म में प्रेजेंट इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जैसे बाइंडिंग होती है स्पर्म क्या करने लगता है, एग की तरफ, एग जेली की तरफ मूव करने लगता है, और इसमें इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कीमो अट्रैक्शन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ क्या डिटेल करनी है अभिषेक, क्या डिटेल करना है बताइए, हम सारी चीजें डिटेल करें, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अभिषेक यादव, हम सारी चीजें डिटेल कर रहे हैं, डिफरेंस होता है, ओके चलो बता रहे हैं सारी चीजें बता रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड का एक और स्पीसीज होती है, एक और स्पीसीज होती है जिसके कीमोटेक्टिंग मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है अभी उनकी बात आगे करेंगे। तो ये क्या, इस दौरान क्या होता है, चलिए इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा बहुत जल्दी 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 मैम डिटेल, हम डिटेल करें, सारी चीजें डिटेल करें, ठीक है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ चलिए ओके। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही एग जेली से क्या रिलीज हुए, मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, कीमोटेक्टिक मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, वो कीमोटेक्टिक मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट थे, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे। जैसे ही रिसेप्ट आकर इन स्पर्म सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हुआ, इनको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज, रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज। जैसे ही रिसेप्ट की बाइंड, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए और इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, जीडीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही साइक्लिक जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी साइटोप्लाज्म में, वैसे ही क्या हुआ, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्सियम आयन चैनल एक्टिवेट हो गए, और कैल्सियम आयन वाटर से कहां पर आने लगा, अंदर आने लगा, और स्पर्म क्या हुआ, स्पर्म को एक डायरेक्शन मिल गई एग की तरफ मूव करने की, और स्पर्म क्या करने लगा, एग की तरफ। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसमें, कीमो अट्रैक्शन के दौरान, और कीमो जो स्पर्म होता है वो एग सेल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है इस एग जेल के थ्रू आने वाले स्पर्म। ऑल ऑर्गेनेल्स कंट्रीब्यूट करता जाइगोट या सिर्फ न्यूक्लियस, नहीं मोहम्मद, स्पर्म जो है सिर्फ न्यूक्लियस और अपना सेंट्रियोल डोनेट करता है एग को, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एग को डोनेट होता है, बाकी कोई भी पार्ट, स्पर्म जो होता है कभी भी, स्पर्म डज नॉट डोनेट एनी साइटोप्लाज्मिक पार्ट, एनी साइटोसोल कभी भी स्पर्म से डोनेट नहीं होता है। हाँ रिपीट करें बदी जी, रिपीट करें ओके।
स्लो डाउन बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा दे रहे हैं क्या? चलिए देखिए, ये अरबेसिया का एग है, अरबेसिया पंक्टुलेटा का, और ये रही इसकी एग जेली, ये रही इसकी एग जेली। इस एग जेली से क्या रिलीज हुआ? बीसेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड की पेप्टाइड चेन होती है, इसी को क्या बोलते हैं? सैप। इन सैप के लिए रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही रिसेक्ट। और इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लिस। और इनसे क्या जैसे ही रिसेक्ट की बाइंडिंग होती है इन रिसेप्टर्स पर, ये जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लिक जीएमपी में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में साइक्लिक जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्सियम आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वाटर से कैल्सियम आयन अंदर आने लगता है और स्पर्म जो है वो एग की तरफ मूव करने लगता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कीमो अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा जी, आपने इतना ध्यान दिया, हम बिल्कुल पानी पी ले रहे हैं डन। स्पर्म मूव करने लगता है एग की डायरेक्शन में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। मैनी स्पीसीज स्पर्म आर अट्रैक्टेड टूवर्ड एग ऑफ देयर स्पीसीज बाय कीमोटैक्सिस बाय फॉलोइंग अ ग्रेडियंट ऑफ अ केमिकल सीक्रेटेड बाय द एग एंड The ability to move does not provide the sperm with a direction. In echinoderms, direction is provided by small chemotactic peptides, that is sperm activating peptides. SAP is resect a 14 amino acid peptide and that has been isolated from the axillary of sea urchin Arbacia punctulata. Achha, ab hume ye baat kaise pata chali ki ye resect hi Arbacia punctulata ke term mein ye resect hi sperm ko activate karne ka kaam kar raha hai. To uske liye humne ek kaam kiya. उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने ये एक माइक्रोस्कोप स्लाइड पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया सी से, जहां और उस जगह से लिया जहां पर क्या प्रेजेंट थे? अरबेसिया के स्पर्म प्रेजेंट थे, उस स्पीसीज के स्पर्म प्रेजेंट थे। उस जगह से हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर एक माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखा और थोड़ी देर बाद हमने क्या किया? उस वाटर के बीच में इंजेक्ट करा दिया, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हमने किसको इंजेक्ट करा दिया? रीसेक्ट को। हमने क्या किया वहां पर? रीसेक्ट को इंजेक्ट करा दिया। तो हमने देखा स्पर्म जो होते हैं नॉर्मली मूव जो करते हैं, स्पर्म की मूवमेंट जो होती है वो रैंडम मूवमेंट होती है। स्पर्म क्या होते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जब हमने रीसेक्ट को इंजेक्ट कराया तो हमने देखा कि अब जो स्पर्म रैंडमली अभी तक मूव कर रहे थे यहां पर, अब वो कैसे मूव करने लगे? वो रिसेक्ट की तरफ आने लगे। इस तरीके से वो उनका मूवमेंट जो हो गया वो कैसा हो गया? डायरेक्टेड हो गया। वो सारे स्पर्म आकर कहां पर इकट्ठे हो गए? जहां पर रिसेक्ट को इंजेक्ट कराया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हो गई कि रिसेक्ट कैसा होता है? स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड होता है। रिसेक्ट कैसा मॉलिक्यूल होता है? स्पर्म। हाँ कोई ग्रुप बनाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल धीरेन जी, ग्रुप बनाया जाएगा। आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो बिल्कुल ग्रुप बनाया जाएगा। और उस ग्रुप में जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उनको ऐड किया जाएगा और उनको सारी डिटेल्स से रिलेटेड ग्रुप और उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन कब होंगे वो सारी डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। और उससे क्या होगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। ठीक है, चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि रिसेक्ट क्या होता है। रिसेक्ट स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड होता है और हर स्पीसीज में स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एक स्पीसीज की और बात करें,
एक स्पीसीज की और बात करें तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ये परपुरेटस पर्पल सी अर्चिन की बात करें तो वहां पर रिसेक्ट के ही होमोलॉगस एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज स्प्रेक्ट, उसे क्या बोलते हैं स्प्रेक्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन करता है। क्लियर है कीमो अट्रैक्शन सभी को? क्लियर है कीमो अट्रैक्शन सभी को? क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा तुमने भी, पूनम तुमने भी ज्वाइन किया है, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज? राघवेंद्र रंजन, राघवेंद्र जी त्र्यंबक की साइट पर जाइए, त्र्यंबक की साइट पर जाइए और वहाँ दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपको टेस्ट सीरीज किस तरीके से ज्वाइन करना है, कब, उसी 21 जून से पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, और 12 टेस्ट होंगे टोटल और 16 अगस्त तक चलेंगे। तो आपको ये सारी डिटेल मैसेज कर दी जाएंगी और आप उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज। हाँ चंद्रकांत जी बिल्कुल, सारी आप त्र्यंबक की साइट पर जाकर वहाँ दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है, तो आपको सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप नंबर पर सारी डिटेल आपको मैसेज कर दी जाएंगी। डन डन क्लियर? ओके ओके थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो मच। हाँ तो ये आपको सारी टेस्ट सीरीज जो है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है, संडे को पहला टेस्ट रहेगा, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए वरना रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे। डन चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कीमो अट्रैक्शन की बात हो गई, अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे टोटल, हमने टोटल 5 स्टेप्स पढ़े थे। पहला क्या था? कीमो अट्रैक्शन। पहला क्या था? कीमो अट्रैक्शन। तो हमने इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम सेकेंड की बात करें, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस एक्रोसोमल रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन का? फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, स्पर्म सेल मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। And second step, extension of acrosomal process. तो अब ये acrosomal reaction के दौरान ये दोनों step perform होते हैं, तो हम सबसे पहले step की बात करते हैं। Sperm cell membrane और acrosomal membrane आपस में fuse कैसे करती हैं? स्पर्म सेल मेम्ब्रेन और एग सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कैसे करती हैं? तो बताया कि कीमो अट्रैक्शन के बाद स्पर्म मूव करता हुआ कहां पहुंचा? एग जेली के पास, एग जेली के पास। अब इस एग जेली में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स के लिए रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म के पास प्रेजेंट होते हैं। तो जब एग कीमो अट्रैक्शन के दौरान पहले स्टेप के दौरान मूव करके स्पर्म मूव करके एग तक पहुंचेगा, तो एग के पास क्या प्रेजेंट होंगे? इसी जेली में क्या प्रेजेंट होंगे? सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स। इट विल बी अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। यस बद्री जी को देखिए, बद्री जी को सब पता है, तो ये फुल, हाँ बिल्कुल 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल जैसे CSIR का पेपर होता है ए बी एंड सी सेक्शन, उसी के बेसिस पे पूरा पेपर रहेगा। और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को, 12 टेस्ट रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा। हाँ कैन आई हैव योर ईमेल मैम, सम डाउट्स एंड फ्रॉग गैस्ट्रुलेशन? ओके ओके आपको, आप अपना नंबर यहाँ पर त्र्यंबक की साइट पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए हाँ और योर यूट्यूब लेक्चर ओनली इंक्लूडेड इन दिस कमिंग टेस्ट मैम जी? नहीं नहीं सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा टेस्ट में, सब कुछ आएगा, जो लेक्चर हो चुके हैं उससे रिलेटेड जो होने वाले, क्योंकि ये लेक्चर अभी 60 डेज चलेंगे,
और इसे इनसे और सारा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें कवर करी जाएंगी, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट फुल लेंथ होंगे, मतलब कहीं से कुछ भी आ सकता है। जैसे बिल्कुल सीएसआईआर का पेपर बनता है उसी तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे ए बी सी सेक्शन रहेगा और कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी ये सोचकर मत चलिएगा कि मैम ने डेवलपमेंटल में फर्टिलाइजेशन बताया, बल्ब फॉर्मेशन बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो बस इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे। हाँ, टेस्ट का वीडियो उसी दिन जिस दिन टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे जिसके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन डिस्कस, मतलब डेव बायो के जितने भी क्वेश्चन हमने दिए होंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डन, क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा या इस खुश फहमी में मत रहिएगा कि हमें जितना पढ़ा है मैम बस उसी से पेपर देंगी, पूरा पूरा कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। डन, ओके, चलिए। आई थिंक आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और टेस्ट देखिए, देखिए कि आपके कितने टॉपिक्स प्रिपेयर हो चुके हैं और कितने प्रिपेयर करने बाकी हैं। चलिए, तो हम क्या किसकी बात कर रहे थे? एग जेली की। एग जेली के पास क्या होते हैं? सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, कीमो अट्रैक्शन। अच्छा चलिए, कीमो अट्रैक्शन, जब कीमो टैक्टिक मॉलिक्यूल्स के कीमो अट्रैक्शन के दौरान जब स्पर्म पहुंचा एग के पास तो वहां पर क्या प्रेजेंट थे? सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, और स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट थे? उनके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट थे। जैसे ये सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड एंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर में थ्री प्रोसेसेस या थ्री चैनल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। सबसे पहला चैनल जो एक्टिवेट हो रहा है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन में, दैट इज कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट चैनल, कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट चैनल। सेकेंड जो होता है दैट इज सेकेंड सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर, सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। एंड थर्ड वन इज एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। ये तीनों प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं जब सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स बाउंड होते हैं किससे? स्पर्म से। तो स्पर्म में ये तीनों प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं। कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू क्या होता है? कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन अंदर आते हैं, कैल्शियम आयन वाटर आने लगेंगे जब भी कैल्शियम आयन चैनल एक्टिवेट होंगे। सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर के थ्रू क्या होता है? सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं और प्रोटॉन्स बाहर जाने लगते हैं, सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं और प्रोटॉन्स बाहर जाने लगते हैं। तीसरी बात जो करते हैं हम पीएलसी एक्टिवेशन की, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन की। ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है? ये फॉस्फोलाइपेज सी मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड को क्लीव की टर्शियरी आर्म को क्लीव करने का काम करता है। ये रही प्राइमरी आर्म जिसपे क्या है? सैचुरेटेड फैटी, जिससे क्या अटैच होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये रही सेकेंडरी आर्म जिसे क्या अटैच होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये रही टर्शियरी आर्म जिससे एक मॉडिफाइड फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, एक फॉस्फेट होता है और उसके साथ अटैच ग्रुप के बेसिस पे इसका नाम डिसाइड होता है। फॉस्फोलिपिड में जो मॉडिफाइड फॉस्फेट टर्शियरी चेन में होता है उसके उस फॉस्फेट के साथ जो ग्रुप अटैच होता है उसी के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी फॉस्फेट के साथ क्या अटैच होता है? सेराइन अटैच होता है बोलते हैं, जब इसके साथ एथेनोलामीन अटैच होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन बोलते हैं। तो यहां पर इसके साथ क्या अटैच है? यहां पर इसके साथ क्या अटैच है? आइनोसेटॉल। क्या अटैच है? आइनोसेटॉल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसकी 4 और 5 पोजीशन पर हमें क्या दिख रहा है? फॉस्फेट दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से देखिए ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल सुमाया जी, ऑनलाइन होगा, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन यूट्यूब पर ही होगा, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन यूट्यूब पर ही होगा। ओके, हाँ चलो चलो बहुत ध्यान से देखो। तो ये PIP2 का स्ट्रक्चर है, फॉस्फो आइनोसिटॉल 4.5
4.5 बाईफॉस्फेट, फॉस्फोइनोसिटॉल 4.5 बाईफॉस्फेट, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं PIP2। तो जो फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है वो कहाँ कट करता है, वो इसी फॉस्फोलिपिड की टर्शरी आर्म पर कट करता है बिफोर फॉस्फेट, कहाँ कट करता है बिफोर फॉस्फेट, इस फॉस्फोलिपिड की टर्शरी आर्म पर बिफोर फॉस्फेट कट करता है। तो उससे क्या होता है, उससे दो कंपाउंड मिलते हैं, पहला कंपाउंड जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रहता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये देखिए डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा कंपाउंड जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, जो कहां पर रहता है साइटोप्लाज्म में रहता है, और जिसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट आ जाता है। अभी तक आइनोसिटॉल की फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर ही फॉस्फेट था, लेकिन जब ये क्लिवेज हुआ यहां से, पीएससी ने जब यहां से क्लिवेज किया तो इसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी, अब आप लोगों को फॉस्फेट दिखा होगा, देखिए इसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी अब फॉस्फेट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो अभी तक क्या था, फॉस्फोइनोसिटॉल 4.5 बाईफॉस्फेट, अब क्या हो गया फॉस्फो आइनोसिटॉल, अब तो फॉस्फो नहीं आइनोसिटॉल 1.4.5 ट्राईफॉस्फेट, और इसी को क्या बोलते हैं IP3 बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं IP3 1.4.5 ट्राईफॉस्फेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ CSIR में, तो IP3 का कॉन्फ़िगरेशन मत भूलेगा। हाँ बिल्कुल, कीमो अट्रैक्शन के बाद का स्टेप है चंद्रकांत जी, कीमो अट्रैक्शन के बाद का स्टेप बता रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या हो, सॉरी कीमो अट्रैक्शन के बाद क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में। तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 बना, अब ये IP3 जो साइटोसॉल में, डाइएसाइल ग्लिसरॉल तो कैसा है मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन IP3 कहां पर आ गया साइटोप्लाज्म में, और इस IP3 के लिए इसी सेल की ER मेम्ब्रेन पर IP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये IP3 आइनोसिटॉल 1.4.5 ट्राईफॉस्फेट इन ER मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट IP3 रिसेप्टर से बाइंड करता है, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ER में कैल्शियम आयन ज्यादा होते हैं, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो कैल्शियम आयन ER से कहां आने लगते हैं साइटोसॉल में आने लगते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि स्पर्म में क्या होने लगता है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है सभी को, ये पार्ट क्लियर है सभी को। चलिए तो क्या क्या हुआ, कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्टर चैनल से क्या हुआ, कैल्शियम आयन अंदर आए, कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट चैनल से क्या हुआ स्पर्म के अंदर कैल्शियम आए तो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर से क्या हुआ, सोडियम अंदर आए और प्रोटॉन बाहर गए। फिर उसके बाद IP3 पाथवे, इसी सेल की ER मेम्ब्रेन से क्या हुआ IP3 पाथवे रन हुआ और इसी सेल की ER मेम्ब्रेन से क्या होने लगे कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां पर आने लगे साइटोसॉल में आने लगे। तो ER में कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम आयन की 10^-2 होती है, साइटोसॉल में 10^-7 होती है। जब ER कहां पर, जब कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसॉल में आते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाती है, और इस कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से, कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये ध्यान से देखो, ये है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, ये है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, ये है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन और ये है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड ये क्या है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। तो इस कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने हो जाने के बाद क्या हो जाती हैं रप्चर हो जाती हैं, जितना भी एक्रोसोमल कंटेंट था जितना भी, ये देखिए क्या हुआ, पहले दोनों मेम्ब्रेन आपस में क्या हुई फ्यूज हुई कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से और सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से क्या हुआ ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हुई, और फ्यूज होकर क्या हो गई
फट गई, जितना भी एक्रोसोमल कंटेंट था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। इनके रैप्चर होने की वजह से इस मेम्ब्रेन के जितना भी एक्रोसोमल कंटेंट था वो बाहर रिलीज हो गया, और एग है कहाँ, एग जेली के पास। तो ये जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट होगा ये क्या करेगा, एग जेली को डाइजेस्ट कर लेगा, एग जेली को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, एग जेली को रिमूव कर देगा। डन। दिव्या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सब रहेगा आराम से, तुम कहीं पर भी रोक के कितनी भी बार वीडियो देख सकती हो, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। IP3 के साथ साथ ऑन कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है शायद, क्या लेटर ऑन कैल्शियम आयन डिपेंडेंट कैल्शियम आयन रिलीज होता है, हम समझे नहीं आपकी बात कशूर जी, कशूर बायोलॉजिस्ट, हम आपकी बात समझ नहीं पाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है और एग जेली डाइजेस्ट हो जाती है, एग जेली डाइजेस्ट हो जाती है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, और उन दोनों के फ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, और जितना भी प्रोटियोलिटिक भाई पतली हो गई ना फ्यूज होने की वजह से, वो पतली हो गई और क्या हो गई, रप्चर हो गई, और उसकी वजह से जितना भी प्रोटियोलिटिक कंटेंट था वो बाहर रिलीज हो गया और उसने क्या किया, जेली को रिमूव कर दिया। क्लियर है, ओके डन। चलो चलो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप हमने बोला था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक्रोसोमल प्रोसेस का एक्सटेंशन होगा, एक्रोसोमल प्रोसेस का एक्सटेंशन होगा। तो सेकेंड स्टेप में एक्रोसोमल प्रोसेस क्या है, जब एक्रोलिटिक जितना भी एक्रोसोमल कंटेंट था, प्रोटियोलिटिक कंटेंट था, वो बाहर रिलीज हो गया, तो ये जो नीचे की लेयर है यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जब भी स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमेशा ये रहा स्पर्म का हेड, ये रही एक्रोसोमल वेसिकल, और इस एक्रोसोमल वेसिकल के नीचे जो प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल, और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सटा हुआ क्या होता है, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से अटैच क्या होती है, स्पर्म टेल, ठीक है, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्रोसोमल वेसिकल और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्रोसोमल प्रोसेस को एक्सटेंड करने में। कैसे एक्सटेंड करने में, यानी कि बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स को, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, इन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इन मॉलिक्यूल्स को एक्सपोज करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दैट इज एक्टिन मॉलिक्यूल्स। जब कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है तो ये स्पर्म सेल और एक्रोसोमल सेल मेम्ब्रेन तो आपस में फ्यूज होती ही होती है, उसके साथ ही क्या होते हैं, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो भी क्या होने लगते हैं, यहाँ पर जो ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें जब बड़ी हुई क्या होने लगते हैं, ये पॉलीमराइज होने लगते हैं, और पॉलीमराइजेशन के बाद ये ग्लोबुलर एक्टिन जी एक्टिन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं फिलामेंटस एक्टिन में, यानी कि एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब नीचे से ये पॉलीमराइज होंगे तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट क्या होने लगेगा, एक्सटेंड करने लगेगा, और इन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होने लगेंगे, वो एक्सपोज होने लगेंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, जो अंदर की तरफ थे अभी तक, अब जितना भी एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो गए तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब ये ग्लोबुलर एक्टिन जी एक्टिन में कन्वर्ट होगा यानी कि पॉलीमराइज होगा, तो पॉलीमराइजेशन के दौरान क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, एक एक्रोसोमल प्रोसेस, इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल प्रोसेस, जिस पर बाइंडिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सटेंड होने लगता है, ये एक्सटेंड होने लगता है ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन बिलो टू द एक्रोसोमल वेसिकल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन हू। डन, क्लियर है। तो जब एक्रोसोमल ग्लोबुलर एक्टिन जब डी एक्टिन एफ एक्टिन में कन्वर्ट हुए
तो उसके दौरान क्या हुआ, ये बाइंडिंग मॉलिक्यूल एक्सपोज हो गए। अब इन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एग की विटिलाइन एनवेलप पर। कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्योंकि एग जेली रिमूव हो चुकी है, अब क्या है? विटिलाइन एनवेलप। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर अब कहाँ प्रेजेंट होंगे? एग की विटिलाइन एनवेलप पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और बाइंडिंग रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन स्पर्म और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, व्हाइल बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन एग्स विटिलाइन एनवेलप। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एग की विटिलाइन एनवेलप पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये बाइंडिंग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं विटिलाइन एनवेलप पर प्रेजेंट रिसेप्टर से, वैसे ही क्या हो जाता है? सेकेंड एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सेकेंड स्टेप जो होता है एक्रोसोमल रिएक्शन का वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? सबसे पहले रिसेक्ट ड्यूरिंग कीमोड्रेशन, ये भी किसमें इन्वॉल्व हुआ? स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में। दूसरा सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स, ये भी बहुत स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं जो एग जेली में प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये दोनों कहां प्रेजेंट होंगे? एग जेली में। और ये कहां प्रेजेंट होगा? स्पर्म में। याद रखना, इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो ये तीनों किसमें इन्वॉल्व होंगे? स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में। किसमें इन्वॉल्व होंगे? स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन में। यस, जो जब ग्लोबुलर जो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वहां पर ग्लोबुलर एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन में कन्वर्ट होते हैं, वो होते हैं किसके थ्रू? बाय द एक्टिवेशन ऑफ रो बी जीटीपेजेस। ये रो बी जीटीपेजेस क्या करते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन को फिलामेंटस एक्टिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और क्या हो जाता है? मेम्ब्रेन का एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। डन? क्लियर है या नहीं? चल अब एक चीज देखो। अब ये एक ग्राफ भी देख लो। ये ग्राफ देखो, बड़ा करने पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। वेट, ऐसे देख। तो यहां पर दो स्पीसीज ली गई हैं, एक स्पीसीज फ्रांसिसेनस और दूसरी क्या ली गई है? परपिरेटस। बिल्कुल सॉल्व करा रहे हैं, जंगल मैजिक सॉल्व करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सॉल्व करा रहे हैं। फ्रांसिसेनस एंड परपिरेटस, दो स्पीसीज ली गई है। ERB1 इनकोड्स फॉर अ बाइंडिंग रिसेप्टर्स, तो इन्होंने जब एक स्पीसीज के स्पर्म लिए और दूसरी स्पीसीज के रिसेप्टर लिए, तो इन्होंने देखा कि बाइंडिंग नहीं हुई। देखिए, ये है, नाम ना याद रहे ना, तो फिर क्या करो, इसको क्या कर लो, स्पीसीज ए और बी कर लो। एक ए स्पीसीज ली गई और एक बी स्पीसीज ली गई। जब स्पीसीज ए के स्पर्म लिए गए और स्पीसीज बाइंडिंग रिसेप्टर लिए गए, यहां पर समझ लो स्पर्म का मतलब बाइंडिंग मॉलिक्यूल और यहां ERB1 इन कोट्स फॉर बाइंडिंग रिसेप्टर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द विटिलाइन एनवेलप ऑफ एग। तो जब एक स्पीसीज के स्पर्म और दूसरी स्पीसीज के बाइंडिंग रिसेप्टर लिए गए तो क्या बाइंडिंग होगी? हमने बताया होता है, तो आप लोग बताइए क्या बाइंडिंग होगी या नहीं होगी?
रोबी के बारे में क्या बोलना है भाषण जी, रोबी रोबी जीटीपीएस होते हैं और वो क्या करते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन को फिलामेंटस एक्टिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और हमेशा जब भी कैटायंस बढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो रोबी जीटीपीएस एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो वो एक्टिन साइटोस्केलेटल को अरेंज करने का काम करने लगते हैं और क्या करने लगते हैं, जी एक्टिन को एफ एक्टिन में पॉलीमराइज करने लगते हैं। ओके हाँ डन। तो क्या होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। रचना दीक्षित, मिस योर लेक्चर गेटिंग लेट, कोई बात नहीं रचना जी, ये लेक्चर आपको अवेलेबल रहेगा, आप बाद में देख लीजिएगा, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग नहीं हो रही है, देखिए बाइंडिंग नहीं हो रही है। फिर इन्होंने क्या किया, एक स्पीसीज के स्पर्म लिए और ब्लैंक बीड्स लिए। ब्लैंक बीड्स का मतलब उस पर रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट है, अगर बाइंडिंग रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो क्या होगा, स्पर्म बाइंड भी नहीं कर पाएगा। जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल है अगर उनके लिए एक बार रिसेप्टर्स, अगर उनके रिसेप्टर्स को रिमूव कर दो एबिटल एनवलप से तो उस केस में भी बाइंडिंग नहीं होगी। तो ब्लैंक बीड का मतलब उनके पास रिसेप्टर्स नहीं था, और रिसेप्टर्स नहीं होने का मतलब अगर सेम स्पीसीज है, स्पीसीज ए के ही स्पर्म और स्पीसीज ए के ही क्या लिया हुआ है, हमने सेम स्पीसीज के ही क्या लिए हुए हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर्स लिए, मतलब सेम का ही एग लिया हुआ है, तो उसके इसमें से तुमने क्या हटा लिया, रिसेप्टर्स को रिमूव कर दिया, तो उस केस में भी बाइंडिंग नहीं होगी। उस केस में भी क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर इन्होंने स्पीसीज बी लिया, सेम उसी के स्पर्म ही है और उसी का एग लिया है, लेकिन एग से क्या हटा दिया है, रिसेप्टर को हटा दिया, तो उस केस में भी बाइंडिंग नहीं हो रही। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने स्पीसीज ए का ही स्पर्म और स्पीसीज ए का ही क्या लिया है, स्पीसीज ए के ही बाइंडिंग मॉलिक्यूल और स्पीसीज ए का ही बाइंडिंग रिसेप्टर लिया है, तो देखिए क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है। उस केस में क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है। तो हमें क्या चाहिए रहता है, बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ पर चाहिए रहते हैं, स्पर्म में, और बाइंडिंग रिसेप्टर्स कहाँ चाहिए रहते हैं उन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, वो भी सेम स्पीसीज के, एक स्पीसीज का एग उसी स्पीसीज, एक स्पीसीज का स्पर्म उसी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टाइम पे ब्रेक करके आती है, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या कि वाइस ब्रेक हो रही है, ऐसा हो रहा है, चेक करो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो चेक करो, वाइस ब्रेक हो रही है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चंस देखते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से। हाँ, ऑनली डिविएशन फ्रॉम द टॉपिक टूडे, थोड़ी वाइस ब्रेक, अच्छा जिगीशा वाइस में प्रॉब्लम हो रही है, देखा चेक करूँ, वाइस कह रही है ब्रेक हो रही है, थोड़ी रोज होती है। चलो अच्छा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन बिटवीन द सर्विस ऑफ द एग एंड एक्रोसोमल प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली आर 30.5 के लिए प्रोटीन कॉल्ड बाइंडन एंड इज नेसेसरी। The following factors could affect this interaction and prevent fertilization. Removal of egg jelly polysaccharide. अगर हम egg jelly polysaccharide को remove कर दें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में interaction होगा या नहीं होगा बताओ, अगर हम egg jelly polysaccharide को remove कर दें तो interaction होगा या नहीं होगा, आपकी inconvenience के लिए sorry रितेश जी, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए हम सॉरी हैं। चलिए, रिमूवल ऑफ एग जेली पॉलीसेक्राइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी, इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। सेकंड, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग विटेलाइन एनवेलप, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग विटेलाइन एनवेलप, अगर हम एग विटेलाइन एनवेलप से क्या हटा दे, बाइंडिंग रिसेप्टर्स को हटा दे, से बाइंडिंग रिसेप्टर्स को हटा दे, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में बाइंडिंग होगी नहीं होगी, उस केस में बाइंडिंग नहीं होगी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर्स फ्रॉम द एग जेली, रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर्स फ्रॉम द एग जेली। तो एग जेली जो बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एग जेली पे प्रेजेंट होते हैं या विटेलाइन एनवेलप पे, विटेलाइन एनवेलप पे कहां प्रेजेंट होते हैं, विटेलाइन एनवेलप पे। रिमूवल ऑफ बाइंडिंग रिसेप्टर फ्रॉम अ सिंगल क्लस्टर ऑन द विटेलाइन मेम्ब्रेन, नहीं, विटेलाइन मेम्ब्रेन पर जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो पूरे में फैले होते हैं, सिंगल क्लस्टर के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली बी, कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली बी। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये पॉइंट, सभी को क्लियर है या नहीं बताइए, ओनली बी, यस, डन डन, ओके, वेट। चलिए चलिए अब जो इसमें क्वेश्चन रखे थे वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन तब आप लोगों को समझ में आएगा बाइंडिंग और बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ साथ जब हम कल प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी भी खत्म कर देंगे, तब ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम आज ना करा के कल कराएंगे, जब हम प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी भी खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको करने के लिए आपको बाइंडिंग रिसेप्टर और बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स पता होने ही चाहिए, उसके साथ ही आपको प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन डिमांड्स, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन डिमांड्स स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म एंड एग्स। इन व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बाइंडिंग इन एक्रोसोम एंड बाइंडिंग रिसेप्टर्स ऑन एग विटेलाइन एनवेलप सही है या गलत है, बताइए बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए बताइए मैम, क्यों नहीं होगा अगर पॉलीसेक्राइड रिमूव हो जाएगा तो इंटरेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल दिव्या, दिव्या अभी तुम्हारी हम ये कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, दिव्या सिंह अभी हम तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, बाइंडिंग एग मेम्ब्रेन एंड बाइंडिंग रिसेप्टर इन एग्रोसोम उल्टा दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट है। रिसेप्ट ऑन एग जेली एंड बाइंडिंग ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन, तो ये कीमोट्रैक्शन का प्रोसेस है और ये एक्रोसोमल रिएक्शन का। प्रोटियोसोम ऑन एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखो दिव्या, जब भी हम पॉलीसेक्राइड्स को रिमूव कर देंगे, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अच्छा ये क्वेश्चन और कर लो, तो ये बहुत ब्लर्ड है लेकिन हम ही पढ़ दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड गॉल्गी डिराइव्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन स्पर्म ऑफ सी अर्चिन आर कॉल्ड एज, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हाँ, जो मेम्ब्रेन बाउंड गॉल्गी डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इन स्पर्म ऑफ सी अर्चिन आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं, माइक्रोमियर्स बोलते हैं, एक्रोसोम वेसिकल बोलते हैं, या मैक्रो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है। तो दिव्या सिंह सुनो, कीमो अट्रैक्शन के दौरान, कीमो अट्रैक्शन के दौरान हमें पॉलीसेक्राइड्स की यानी कि एग जेली की जरूरत पड़ती है, हमें एग जेली की जरूरत किसके लिए पड़ती है, कीमो अट्रैक्शन के दौरान, डन। फिर उसके बाद स्पर्म आता है और एग जेली को रिमूव करता है, फिर स्पर्म आता है और इस एग जेली को रिमूव करता है, और उसके बाद क्या होते हैं, ये बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं, जो स्पर्म है उसमें जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर इनसे बाइंड करते हैं और बाइंडिंग हो जाती है। तो अगर हम इन पॉलीसेक्राइड्स को आर्टिफिशियली हटा दें और स्पर्म आया, तो अब उसे क्या मिलेंगे, अब उसे क्या मिलेंगे, डायरेक्ट उसके जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए रिसेप्टर मिल जाएंगे, डायरेक्ट उसके लिए रिसेप्टर मिल जाएंगे। तो पॉली, यहां पर बात उन्होंने किसके टर्म्स में करी थी, बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स और बाइंडिंग रिसेप्टर। तो मैं ये चीज ध्यान नहीं है कि जब कीमो अट्रैक्शन की बात करेंगे तब हम
हम यहाँ उन्होंने एक्सोसोमल रिएक्शन की बात करी है, तो हम किसको ध्यान में रख के चलेंगे? बाइंडिंग मॉलिक्यूल एंड बाइंडिंग रिसेप्टर्स। बाइंडिंग और स्पर्म एक बाइंडिंग की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है, हाँ क्लियर है। हाँ तो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने आर्टिफिशियली इसको रिमूव करा होगा, उसके बाद देखा होगा। तो बाइंडिंग स्पर्म के पास बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते ही हैं, और यूटिलाइन एनवेलप पे क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो बाइंडिंग हो गई। क्लियर है दिव्या? क्लियर है? क्लियर है दिव्या? डन? ओके ओके। दिव्या सिंह बताइए, क्लियर है? हाँ बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी पढ़ेंगे। कल हम लोग इसमें सी अर्चिन के फर्टिलाइजेशन में स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और कैसे एग और सेल मेम्ब्रेन का आपस में फ्यूजन होता है किस तरीके से, और किस तरीके से एग मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेशन होता है, एग मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होती है, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर लिए वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है उसमें वो कॉल कर सकते हैं त्र्यंबक साइट पर दिए हुए नंबर पर। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद, उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, बाय। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। कहाँ थे आप दो दिन से संजय जी, कहाँ थे? संजय कुमार मिश्रा, चलिए बंद कर दो, बंद।